तो दोस्तों, जैसा कि आपने पार्ट वन में देखा, अंकुश को एक लड़की पसंद आती है, वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन लड़की उसे सिर्फ इसलिए मना कर देती है क्योंकि उसके पास रेंज रोवर नहीं है। अंकुश अपने पापा से बात करता है, लेकिन उसके पापा रेंज रोवर का प्राइस सुन के उसे भगा देते हैं। तो मुकेश उसे ये आइडिया देता है कि क्यों ना रेंज रोवर एक दिन के लिए रेंट पे ले ली जाए। वो एक दिन के लिए रेंज रोवर रेंट पे लाते हैं और वो उनसे कहीं खो जाती है। अब आगे भाई, गाड़ी तो मिली ना, अब क्या करें? भाई अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। कहा? जो गाड़ी का मालिक है उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं, फिर वो ही बताएगा आगे क्या करना है। अरे उसके धोरे भी कैसे जावे हैं? कहाँ कहेंगे वासु जाके? पर यार और कोई रास्ता भी तो ना हो। चल बाय। अरे सर, आप लोग कुछ भूल गए क्या? दरअसल सर, वो एक ना प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ सर, बताइए। वो जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, तो इसको ना सुसु जाना था। ये भी कोई दिक्कत है सर? आप हमारे शोरूम के वॉशरूम में जाइए, और सर इतनी दूर से वॉशरूम के लिए, कमाल है। नहीं सर, दरअसल जब ये सुसु करने गया ना, तो बात यह है कि जब ये जा रहा था ना, तो फिर उस टाइम ना हम तो आपकी गाड़ी घूमी सर जी। क्या? हाँ सर जी, हम काई कौन से उतरे गाड़ी में से, और जब हम वापस आए तो गाड़ी गायब। ऐसा कैसे गायब हो गई? गाड़ी थी मिस्टर इंडिया? पता नहीं सर जी, वो तो मैंने बेरात हमने गाड़ी किसी तरह बेच दी। मैं तो तुमने देख कर पहले समझ गया था कि तुम चोर हो। कैसी बात कर रहे हो सर जी, चोर वो ना? चोर ना था, बता के है, गाड़ी थी, सिम कार्ड ना था, जो जेब में गिर गया। अरे हमने कहा जानबूझ के खोई है सर जी थारी गाड़ी, पर तुम्हें कैसे खो गई? देख भाई, बेशक मैं देखने में तो ना शरीफ लग रहा हूँगा, पर हूँ ना। 70 लाख की गाड़ी थी, उसके पीछे मैंने 2 खून भी करने पड़ गए ना, तो मैं कर दूंगा। ठीक है, मना गाड़ी चाहिए अपनी, या तो मना गाड़ी के पीछे चाहिए। ठीक है, अरे हिप के हिप चाहिए, हिप देख लो किस तरह करोगे। अरे सर जी, अभी के अभी हम इतने पैसे कहाँ से देंगे? हमें कम से कम 8-10 साल का टाइम तो दे दो। 8-10 साल? राजू मेरी पिस्टल ला काट के DSP दोरा फोन मार और मेरी बात करा उससे। सर आपकी गन सर, बोले ना माने तो मैं आप कुछ कह सकता हूँ? हाँ बोल। सर ये जो गाड़ी है हमारी, इसका 0 डेप इंश्योरेंस है, सो अगर ये गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो हम इसका इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं। सिर्फ 5 लाख रुपए देके इंश्योरेंस कंपनी को हम इसकी नई गाड़ी ले सकते हैं। और 5 लाख रुपए तू दे होगा के? हम देंगे सर जी। तू करता दे होगा? बेशक हम कहीं से भी लावे, पर थारे 5 लाख रुपए हम देंगे, बस तुम यह पिस्टल हटा लो प्लीज। ठीक है बेटे, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुमने, अगर मैंने 5 लाख रुपया नहीं मिले ना अपने, तो थारी आईडी है मेरे दूर है, तब ना घर में घुस कर मारूंगा। ठीक है? ठीक है सर जी। देख भाई, घर से 20-25 किलोमीटर दूर तो आ गया, गाड़ी तब भी मिली ना, अब तो एक ही तरीका होया प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, गहने गिरवी रखने पड़ेंगे भाई। अच्छा, तू अपनी सैंपल उतार ले और मैं अपना मंगलसूत्र उतार देता हूँ। कहाँ से लाएंगे गहने? देख भाई, मेरी मम्मी ने तो पता ना कौन सी तिजोरी में छुपा रखे हुए हैं गहने, तू अपनी मम्मी के लिया भाई प्लीज। मेरी मम्मी के मुथूट में पड़े हैं, जा चुरवा ले। फिर तो एक ही रास्ता बच रहा है भाई, अब पता कर मार्केट में एक किडनी का रेट क्या चल रहा है। भाई पागल है क्या, कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसके लिए अपनी किडनी बेचेगा क्या तू? अपनी किडनी? अरे मैं क्यों बेचता अपनी किडनी, मैं तो तेरी किडनी की बात कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, लड़की पटाए तू, पर अगर कहीं फंस जाए तो उसके लिए किडनी बेचूं मैं? तो भाई ना तू मेरा तो भाई हूं तो। अबे तेरी, ये देख अपनी वाली रेंज रोवर। अपनी वाली गाड़ी? हाँ वही तो है रेंज रोवर भाई, इसकी ऐसी की तैसी, बैठ फटाफट बैठ, आज ये सारा चोर मिल गया ना, जॉन से मार दूंगा।
अरे तेरी यहाँ की साड़ी की शक्ल भी तो नहीं दिख रही है, कौन हूँ? अरे तेरी, अरे ये तो राजू है यहाँ की ऐसी की तैसी साड़ा, कल तो इतना शरीफ बन के दिखा रहा है यू। मिला आके मालिक का फोन। का मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद जी, चलो थैंक यू। राजू तूने उनसे उनकी आईडी और 7,000 रुपये ले लिए? सर जी 7,000 रुपये तो ले लिए, पर कल के लौंडो को आपने इतनी महंगी गाड़ी 7,000 रुपये कैसे दे दी? इसका तो रेट भी 15,000 है। राजू मैं इनसे 15,000 नहीं 5,00,000 रुपये लूंगा, तू बस देखता जा। वो कैसे सर जी? ये ले उस गाड़ी की दूसरी चाबी और जहाँ वे लड़के गाड़ी पार्क करें तो उस गाड़ी को लेके गायब हो जाओ। और वे कल के लौंडे हैं राजू, मैं उनको डरा धमका के अपने आप पैसे निकलवा लूँ ऐसे चुटकियों में। चल भाई एक काम कर, तू अपनी भाभी को देख, वहाँ जाके ना एक बेहतरीन सा गुलदस्ता बनवा ले, ठीक है? मैं इतना हल्का होकर आ रहा हूँ यहाँ पे, जा फटाफट। आज इन्हें साड़ी में बता दूंगा। रुक तो रुक, ऐसे नहीं होगा, अब हमें गाड़ी तो पता चल गई है कहाँ है, अब तू चल मेरे साथ। इनकी अबे तू चलना। सर जी यही है वो फ्रॉड जो अपनी खुद की गाड़ी खुद चुरा के हमें फंसाना चाह रहा था। सर जी हमें बहुत डराए धमकाए, हम पिस्टल दिखा रहा है, हमें गिरफ्तार कर लो यार। हाँ भाई क्या स्कैम चल रहा है यहाँ पर? स्कैम? नहीं सर जी कैसी बात कर रहे हो। अरे स्कैम नहीं तो और क्या चला रखा यहाँ पर, साले बच्चों का शोषण करने के चक्कर में 10 साल के लिए अंदर डाल दूंगा तेरे को, और जुर्माना लगेगा वो अलग, गाड़ी भी तेरी सीज करवा दूंगा, ध्यान रख लियो मेरी बात। अरे नहीं सर जी, क्यों गरीब आदमी के पेट पर लात मार रहे हो, हम भी तो तारे हैं, देख लो कुछ हो जा तो ले दे के। अच्छा ले दे के, चलो बच्चो तुम घर निकलो, इसे मैं देख लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ भाई अब बता कितने पैसे मांग रहे तूने बच्चों से? रोगा जी 5,00,000। 5,00,000? अब तू एक काम कर, 10,00,000 रुपए दे अभी के अभी और तेरा सब माफ। सर 10,00,000 ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लो। कम कर लो, सब्जी खरीदना है यहाँ पर। देख लो सर जी फिर भी कुछ हो जाए तो। ठीक है फिर, तेरे ऐसे तो समझ आएगी नहीं, तेरी सारी गाड़ियां सीज करता हूँ और 420 का केस लगेगा वो अलग, जब साढ़े जेल में सड़ेगा ना तब तेरे कल आएगी। सर जी क्यों गुस्सा हो रहे हो, राजू तिजोरी में इतना 10,00,000 रुपए लेके फटाफटा जल्दी आ रहा। सर सर ये लो 10,00,000 रुपए। लो सर जी आपकी अमानत। बहुत बढ़िया, चल तू भी क्या याद रखेगा, माफ करा तेरे को, पर अगली बार किसी बच्चे को फंसाया ना ऐसे साढ़े सीधा अंदर कर दूंगा, आगे समझ? और मेरी नजर तुझ पे रहेगी। देखो भाई 500-500 रुपया में बात हुई ईमानदारी से, ठीक है? अंकुश भाई देख लो ये गलत बात है, हमने तुम्हें अपनी जान पे खेल के बचाया, रिस्क लेके देख ले भाई। अबे कैसे गलत बात है, तुमसे पहले बात करी थी ना 500 रुपए में। भाई फिर भी तुम्हें तो 10,00,000 मिल रहे हैं, हमें तो कम से कम 2,00,000 रुपए दो, नकली पुलिस वाला बन के हमने कितना रिस्क उठाया, खाल उधेड़ देते हमारी अगर पता लग जाता उनको तो। नकली पुलिस, यू लीली पैंट तुझे पुलिस वाले इनकी दिख रही है? अरे यू चौकीदार की वर्दी में पुलिस वाला बन के आगा सुस रहे हो, खुद तो पिटते थे वो, हमें भी उधेड़वाते अगर पता पड़ जाती ना बेटा उन्हें,
तो इतनी खालू देड़ते बुद्धि सेट कर देते तुम दोनों की, आगे समझ में? मैंने तुम दोनों को कुछ बड़ा सोच रखा और तुम चिल्लड़ी खट्टी कर रहे हो, हैं? बड़ा सोच रखा है? बता ही नहीं बड़ा। मैं पूरी 10 पेटी बियर। अब तुम देख लो, तुम्हें बस 1,00,000 रुपया चाहिए और 10 पेटी बियर। तूने हमें इतना पागल समझ लिया? हम क्यों लेंगे 2,00,000 रुपए? हमें तो 10 पेटी बियर चाहिए, पूरे महीने पिएंगे। चिल्ला चिल्ला के स्कीम पूरी दुनिया को बता दो, हैं? मुझे पता ही तुम दोनों बहुत तेज हो, तुम भी कहा याद रखोगे, मौज लो जाओ, ऐश काटो। ठीक है भाई। अच्छा भाई एक काम और कर देना। बता बता। भाई 10 सिगरेट की ना डिब्बी और दिला देना भाई बस। अरे तुम भी कहा याद रखोगे, दी ऐश काटो, तुम जिंदगी की मौज लो जाओ। मेहरबानी मेहरबानी भाई। चलो ठीक है, मौज लो जाओ। राम 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 जी राम राम। हाँ भाई इन्हें तो निपटा दिया, अब इन 10,00,000 का करना क्या है? इन 10,00,000 का can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with. May I come in? ओहो नई गाड़ी, पर बात ना रेंज रोवर की हुई थी, याद है ना? अरे सोच ले, जो तेरे मारे 2 दिन में 10,00,000 की गाड़ी ला सके है ना, वो थोड़े दिन में रेंज रोवर भी ला सके। और का यूं तो जाएगा ही, पर लड़की के साथ तो अकेले जाते हैं ना कि दोस्त को लेके, इतना भी नहीं पता क्या? अगर ये जाएगा ना तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा जी उतर भाई। फिर भाई कैसी बात कर रहा है तू, अब इसके लिए मेरे को उतारेगा क्या? जब कह दी उतर तो उतर। अरे तू रुक जा, तू कहां चल दिया? तो सुनो कह रहा, सुनाई ना देरी दीख है मैडम, उतर फटाफट। क्या? हाँ कह दी जब उतर मतलब उतर। गाड़ी घोड़ा तक ठीक हो, पर यासु ज्यादा जरूरी ना हो, तू दोस्त ना ही हो मेरा, भाई है भाई, समझ गई? ओके फाइन। अच्छा सुन तो सही, अब सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं मानने वाली। अरे सुन तो ले यार मैं क्या कह रहा हूँ। बोल। तू बेशक कितनी भी घमंडी और लालची सही, पर एक क्वालिटी तो है तुझमें, तेरे होठ। दूर से ही अलग ही चमक मार रहा है, इतने मलूक है। आ गया साला लाइन पे। थैंक यू। थैंक यू ना, बीड़ी कम पिए कर, खाले पड़ रहे हैं। गाइज अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ और देखो।